हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं फिर आप सभी के लिए एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें इस तरह की बोतल हम सभी के घरों में होती है, यूजुअली हम यूज़ नहीं लेते हैं, बच्चे अवॉइड करते हैं समर्स में क्योंकि इसमें पानी ठंडा नहीं होता। तो मैं आज आपको बताऊंगी इस तरीके की बोतल कैसे यूज़ ले सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगी जो लास्ट मेरी गिव अवे हॉल की वीडियो थी उसका विनर कौन रहा है, ठीक है? तो इस तरीके का आज मैं एक ट्रेंडी कवर बनाऊंगी, तो ये बच्चों को भी पसंद आने वाला और बड़ों को भी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें कुछ ज़्यादा सामान की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली। इस तरीके के आप बहुत सुंदर सुंदर कवर्स बना सकते हैं। इसके लिए आपके घर में जो भी मटेरियल मैं यूज़ कर रही हूँ इजीली आप सभी के घरों में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने इस तरीके की फॉर्म शीट ली है और इस तरीके का मेरे पास एक कैरी बैग था। ये पॉलिस्टर मटेरियल में है। आपके पास अगर ये नहीं है तो आप कॉटन का फैब्रिक भी यूज़ कर सकते हैं, स्ट्रिप में प्रिंटेड, जैसा भी आपके पास हो। मैं आज इस बॉटल का कवर बनाने जा रही हूँ, तो मैंने इसके लिए ये लिया फॉर्म शीट। अगर फॉर्म शीट आपके पास नहीं है तो आप माइक्रोफाइबर की भी शीट आती है वो भी आप यूज़ ले सकते हैं। एंड इसका कवर मैं आज इससे बना रही हूँ। देखते हैं कैसा बनता है। अगर आपको पसंद आता है तो आप वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे मैं इस तरीके के और वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँ। चलिए अब मैं इसकी कटिंग कर देती हूँ। एक्स्ट्रा जो भी इसके फैब्रिक है वो मैं कट कर लूँगी। देखिए मैंने इसके साइड के सारे जो एक्स्ट्रा था वो मैंने हटा दिया है। अब मेरे पास इस तरीके का प्लेन फैब्रिक है। अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से देखिए रैप करके मैं देख लूँगी कि कपड़ा, ये जो फैब्रिक है ये सफिशियंट है क्या, काफ़ी है। मैं अब इसकी लंबाई लूँगी। लंबाई मैंने बॉटल की देखिए, यहाँ पे मेरी बॉटल के अप्रॉक्स जो साइज़ आ रही है 7.5 इंच आ रही है। तो 7.5 इंच तक तो मुझे रेडी चाहिए, तो 1/2 इंच मैं नीचे से एक्स्ट्रा लूँगी एंड 1 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा लूँगी। और ये देखिए गोलाई में ये 9 इंच आ रहा है, तो 9 इंच है और मैं 1 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी, यानी 11 इंच पे कट करूँगी। ये देखिए मैंने डबल फैब्रिक लिया, इस तरीके से मैं फोल्ड कर दूंगी इसे हाफ में। डबल लाइनिंग है ये मैं फोल्ड करके यहाँ से इसकी चौड़ाई मैं 5 इंच ले रही हूँ, क्योंकि 9 इंच तो आई थी, तो 9 इंच से मैं 1 इंच एक्स्ट्रा ले रही हूँ। और देखिए ये इस तरीके से मैंने जो इसकी ये लंबाई है 1/2 इंच मैंने नीचे ऑलरेडी एक्स्ट्रा रख लिया एंड ऊपर की साइड में 1 इंच एक्स्ट्रा ले लूंगी। और थोड़ा आप एक्स्ट्रा ले लीजिए ताकि अगर मतलब कुछ मतलब छोटा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ा है तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। अब इस तरीके की मैं शीट ले लूँगी बीच में लगाने के लिए। दोनों जो मैंने फैब्रिक थे बराबर कट कर लिए हैं। अब मैं बीच में इस तरीके की फॉर्म शीट लगा दूंगी। मैं इसे पिनअप कर दूंगी इसके, ताकि ये सिक्योर हो जाएगा, इधर इधर हिलेगा नहीं। इसको सेट कर लूँगी पिंस लगा के चारों तरफ। ऑल पिन से सेट कर लिया है मैंने इसे, देखिए। अब मैं क्या करूँगी, मेरे पास एक स्केल है उसकी मदद से मैं 2 2 इंच के गैप में इसमें लाइंस बना दूंगी, क्रिस क्रॉस में लाइन बना दूंगी। और ये देखिए मैं, मुझे बॉटल का नीचे का भी चाहिए पार्ट, तो मैं पैन की मदद से एक है ना राउंड शेप ले लूँगी और राउंड शेप फॉर्म में कट करके और इस फैब्रिक पे कट कर लूंगी। और फैब्रिक पे जब कट करूंगी मैं, तो थोड़ा बड़ा लेना है हमें, मतलब जो राउंड शेप है वो तो एकदम एग्जैक्ट नाप का ले लेंगे हम, ये देखिए इस तरीके से। पर अगर मैं कपड़े पे लूंगी तो उसको 1 1 इंच मुझे एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा चारों तरफ से। ये देखिए दो लेयर है इसमें भी। हाँ पिन से तो ज़्यादा लेना है, अगर आप 1 इंच भी नहीं ले रहे तो 1/2 इंच तो आपको लेना ही होगा। ये देखिए अब इसके ऊपर, ये देखिए मैंने इस तरीके से स्केल की मदद से ये क्रिसन क्रॉस पैटर्न में, ये देखिए ऐसे स्टिच कर लिया है मैंने। ये एक्चुअली मेरा फैब्रिक थोड़ा छोटा पड़ गया था ना, तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा साइड में पट्टी लगा दी है, इसलिए आप थोड़ा सा बड़ा लीजिए। मेरा जैसे नाप 9 इंच का था तो मैंने 10 इंच पे लिया था ना, तो आप 11 इंच पे ले सकते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा ही लेके चलिए। क्योंकि क्या होता है ना, फॉर्म लगा के हम स्टिच करते हैं ना तो थोड़ा कपड़ा छोटा पड़ जाता है। ये देखिए तो कम पड़ रहा था तो मैंने साइड में पट्टी लगा लिया।
अब इस तरीके से साइड में एक सिलाई करनी है, पर उससे पहले मैं क्या करूँगी, एक पट्टी ऊपर लगाऊंगी जिसमें हम या तो इलास्टिक लगाएंगे या डोरी इंसर्ट करेंगे, ताकि जो कवर है ना वो फिटिंग में हो जाए। देखिए मैंने इस तरीके से एक पट्टी लगा के और उस पर अंदर की सिलाई करके ऊपर मैंने फ्रेश स्टिच भी लगा दिया। अभी देखिए इसको मैं इस तरीके से टर्न करूँगी और पहले एक स्टिच साइड की लगाऊंगी, ऊपर की स्टिच में बाद में लगाऊंगी, पहले इस तरीके की साइड की एक स्टिच लगाऊंगी ताकि फिर वो ऊपर से फोल्ड हो जाए। देखिए मैंने साइड की स्टिच लगा दी है और जो ऊपर का फैब्रिक था, जो पट्टी लगाई थी, उसे मैं पिन की मदद से देखिए अच्छे से ये बराबर बराबर फोल्ड कर दूंगी और किनारे पे एक सिलाई मशीन लगा दूंगी। पिन लगाने से क्या होता है ना, इजीली सिलाई मशीन चला सकते हैं हम, प्रॉब्लम नहीं होती है, छोटा बड़ा नहीं होता है। गाइस मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए, बहुत सारा प्यार दीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं इस तरीके की आपके लिए बहुत सी वीडियो ला सकूँ। ये देखिए मैंने इस पर स्टिच कर दिया, मैंने ये जो नीचे का है, मैंने राउंड शेप है ये भी मैं यहाँ पर फिनिशिंग से पहले चारों इजेस कट कर लूँगी और मैंने देखिए ये इस तरीके से लगा दिया है। ये देखिए चारों तरफ से मैंने सिलाई कर दिया। अब आप चाहे तो इस तरीके की पट्टी लेके इसके चारों तरफ लगा सकता, थोड़ा मतलब अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी। ये लगाने से क्या है, ये धागे वगैरह निकलेंगे नहीं। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर दिया, ये देख लिए एकदम परफेक्ट जो नाप है उसमें ये रेडी हो गया है। नीचे से भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस तरह से आप या तो इसमें डोरी इंसर्ट कर सकते हैं या फिर इलास्टिक, अगर आपके पास इलास्टिक है तो आप इलास्टिक भी लगा सकते हैं। मेरे पास अभी डोरी है तो मैं डोरी लगा देती हूँ, बाद में मैं इसमें मतलब इलास्टिक भी लगा दूंगी। ये देखिए अब मेरे पास इस तरीके का एक पैच था। आपके भी पास अगर बच्चों के कोई पुराने कपड़े हैं जिनमें इस तरीके के पैचेस होते हैं तो आप वहाँ से निकाल के लगा सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे ग्लू से, देखिए फैब्रिक जो ग्लू आता है उससे मैंने यहाँ पे इसे चिपका दिया। तो गाइस कॉन्ग्रेचुलेशंस टू निकिता जी जिन्हें ये फैशर का ऑफ वाइट कुर्ता मिला है, एंड आप सभी को भी थैंक यू जिन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया है और सपोर्ट करते आ रहे हैं, थैंक यू। मैं जल्दी एक नया गिव अवे हॉल लेकर आने वाली हूँ ज्वेलरी से रिलेटेड, तो अगर आपको ज्वेलरी पसंद है तो आप उसमें मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। गाइज अगर आप सभी को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।